वैसे तो प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्काल जांच कर कार्यवाही करने का दावा रखती है। वहीं जनपद मैनपुरी में क्षेत्र पंचायत बरनाहल के द्वारा विकास के नाम पर आवंटित किए गए बजट में जिला प्रशासन से लेकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने 10 वर्षों में बंदर बांटकर 40 से 50 लाख रुपयों के घोटाले करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अधिकारियों को कई बार शिकायती पत्र भी देकर शिकायत की गई है, जिसकी जांच 3 सदस्य टीम ने कर घोटाले की आज्ञा भी सौंप दी गई। इसके बाद भी अभी तक घोटाला करने वाले ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विकास कार्यों के लिए आई धनराशि का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में क्षेत्र के गौरव यादव ने आरटीआई के तहत क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष रमा कांति द्वारा कराए गए विकास कार्यों की आख्या मांगी तो कागजों में कुछ और जमीनी स्तर पर कुछ और, जिससे विकास कार्यों में धांधली देखने को मिली। इस संबंध में गौरव यादव ने पुनः नव आगंतुक जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को शिकायत पत्र देकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की तो जिलाधिकारी गौरव यादव पर ही बरस पड़े। ब्लॉक प्रमुख रमाकांति द्वारा वर्ष 2011 से लेकर अब तक कराए गए विकास कार्यों का जायजा कागजों के आधार पर जब मीडिया की टीम ने किया तो देखा कि ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि आरएस यादव ने अपनी निधि का दुरुपयोग करते हुए विकास कार्यों में घोटाला किया है। ब्लॉक प्रमुख ने कई गांव में जो प्रधान के द्वारा कार्य करवाए जाते हैं, गलियों में इंटरकॉलिंग खडंजा बनवाए दिए हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख ने किसी भी गाँव को संपर्क मार्ग बनवाकर नहीं जोड़ा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि क्षेत्र पंचायत में ज्यादातर काम अपने गांव कैलाशपुर और ककरा में दिखाए गए हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के पति आरएस यादव ने लाखों रुपए का गोलमाल किया है। जब मीडिया की टीम ने क्षेत्र पंचायत के गांव नगला सेवा में प्रमुख द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पड़ताल की तो देखा गया कि मुख्य मार्ग से गाँव तक जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक की एक कच्चा मार्ग है, जिस पर बरसात के दिनों में साइकिल तो क्या, पैदल भी निकलना दूभर हो जाता है। इस गांव के बशिंदे निजी कार्यों के लिए कहीं ना कहीं जा पाते हैं, यहां तक कि छात्र छात्राएं भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बरसात के दिनों में घरों में ही कैद होकर बने रहते हैं। यहां तक आरएस यादव ने अपने एक महाविद्यालय में भी निजी इंटरकॉलिंग खंडवा बनाकर सरकारी संपत्ति का गोलमाल किया है। देखने वाली बात यह है कि शिकायत के आधार पर जब जांच की जाती है तो अधिकारी रिपोर्ट भी सौंप देते हैं, फिर भी इस ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इससे साफ जाहिर होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, जो प्रदेश सरकारी की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। जब इस संबंध में जिला अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। देखिए मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। रविंद्र सिंह हो गया, क्या नाम भैया? राघवेंद्र सिंह। कौन से गांव के निवासी हैं? जी कैलाशपुर। ये कैलाशपुर में जो इंटरलॉकिंग सड़क डाली गई है, किसके द्वारा डाली गई? ये आरएस ने डलवाई है, आप ब्लॉक प्रमुख बरनाल। और जो जो गेट का निर्माण किया गया है, ये किसके द्वारा हुआ है? ये भी आरएस ने कराया है ब्लॉक प्रमुख। कितना समय हो गया होगा? अभी मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं ये गेट के लिए, और इंटरलॉक तो पहले से पड़ गई है। जी, नाम गौरव प्रताप है और मैं कैलाशपुर विकासखंड वरनाहल से रहने वाला हूं। अच्छा, ये आज जिला अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया, किस उद्देश्य से दिया है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है सर कि मैंने क्षेत्र पंचायत वरनाहल में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रमा कांति, जो 2010 से अभी लगातार चली आ रही हैं, हमने उनके कामों की जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जाँच मांगी, जिसमें हमें जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पे हमने ग्राउंड पे जो पाया उस वो हम कुमार किस गांव के निवासी? नगला सेवा पोस्ट लखनऊ। अच्छा, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये सड़क का कभी निर्माण हुआ है आपके? नहीं हुआ सर। कितने समय से आप इस सड़क को ऐसे देख रहे हैं? हम जब मेरी उम्र लगभग 24 वर्ष है, अभी तक तब से ये कर्ची है। पेपरों में तो ये सड़क दिखाई जा रही है कि सड़क में इंटरलॉकिंग की गई है, अभी मौके पर तो सर कच्ची है। अच्छा, आने जाने की क्या सुविधा है? बहुत कठिनाइयाँ उठाना पड़ती हैं, स्कूल का वाहन नहीं पहुंचता, बच्चे बरसात के टाइम पर घर पर ही रहते हैं, कोई वाहन नहीं ले जाता स्कूल वाला, क्योंकि गाड़ी फंस जाती है। मरीजों को कैसे ले? मरीजों को सर मोटरसाइकिल वगैरह पे ले जाते हैं, वो भी बिल्कुल
परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। अच्छा, इसमें जो है आपने कहीं ऊपर कार्रवाई की है क्या? क्या मैंने उसमें की थी जन सुनवाई ऐप से योगी आदित्यनाथ जी का, तो उसमें लोक निर्माण विभाग ने लिख दिया है कि 2000 जनगणना 2011 के अनुसार 250 लोग दर्शाए हमारे गांव में, तो हमारे यहां 250 से कम आबादी वाले लोगों के यहां लोक निर्माण में कोई सूची नहीं है। हमारे पास उसका लेटर भी है जो हमारे नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता है। अच्छा, आरोप है कि जो ना यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख ने जो ना स्मारक को सीसी दर्शा कर और जो धनवाई कर ली है, क्या नहीं सर इसकी जानकारी? नहीं, नहीं सर। लाल कच्चा मार्ग बिल्कुल कच्चा है। माँ बाप का? फूलन सिंह। कौन से गांव के निवासी हैं? नगला सेवा। नगला सेवा में जो सड़क डली है आपके यहाँ, क्या उसमें कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं, कच्चे गड्ढा डर रहे हैं साहब। तो कैसे निकलते हैं फिर? अब काफ़ी परेशानी है, बहुत बड़ी खच्चड़ा। चौमास ना बरसात जब होते है तब तो बहुत ही बड़ी भावी है, बांध कोई निकल नहीं पात, बड़ी परेशानी हो जाती है बहुत बड़ी। अच्छा, ये कच्चा माल किसने डलवाया था? पहले पुरानी पड़ी गई थी, प्रधान ने डलवाई थी। कच्चा पड़ा है कम से कम हो गई 50 साल है, तब से कच्ची पड़ी है, कोई पक्की नहीं। इंटरलॉकिंग वगैरह कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ऐसी सब डरी है। भैया आपका? मेरा राम नरेश है, सुनो फूलन सिंह, नंगला सेवा मुआजा जगन्नाथपुर, तहसील करैल, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। इस आवाज़ इस ये रोड के लिए कम से कम मैंने 10 बार उठाया, लिखित में दिया है, सब कुछ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, दवाई दी जाती है। कितने सालों से आप इसकी पैरवी कर रहे हैं? इसकी सालों से मैं कम से कम 10-15 साल से कर रहा हूँ सड़क निर्माण के लिए। 15 साल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं करहल पड़ा हूँ तो इसी रोड से कच्चा जाता था, पगडंडी रास्ते होते हुए कभी भी साइकिल भी नहीं अच्छी तरह से निकलती है, बरसात ऋतु में साइकिल पे भी नहीं जा सकती। अच्छा, और दूसरी में इसे इंटरलॉकिंग दर्शाया गया है, क्या आपके होश में कभी इसमें इंटरलॉकिंग हुई है? अरे नहीं है, वही है, कोई इंटरलॉक एक ईंट भी नहीं बिछी है इस बात में ना। अच्छा, जो जिस जगह पे ईंट जो पड़ी हुई है वो क्या ग्रामीणों ने डाली है? नहीं, वो प्रधान के लोग, और कुछ प्रधान ने डाली है, कुछ अपने ग्रामीणों ने डाली है, अपने गड्ढा जो पानी को हो जाते हैं उसे दबाने के लिए, पानी कच्चा रास्ता है। क्या नाम है दादा आपका? रोहन सिंह। किस गांव के रहने वाले हो? जय सेवा जय नारा। ये कच्चा मार्ग कब पड़ा था? जो है 50 साल ही ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, किस नीति से ये पड़ा था? नहीं नहीं, बाखन जी बाबूराम नेता आते तो सुने के डलवाई लो। अच्छा, इस पे जो ना बताया जाता है कि सीसी मार्ग पड़ चुका है, किसने डलवाया, कोई जानकारी? काउ नहीं डलवाया, इंटरलॉकिंग ना कुछ नहीं भाव। अच्छा, तो बरसात के दिनों में आप लोग जब मरीज को लेके जाते हैं तो कैसे ले? नहीं निकल का पाते, ऐसे ही जाते मैं कहाँ चढ़ा मैं और कहा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।